क्षेत्र के निवासी श्री जगन्नाथपुरी में गए तो भजन गाने लगे, जगन्नाथ जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके। एक उड़िया भाषी भक्त ने सोचा हम भी यह गाएंगे तो हम पर भी कृपा होगी। किसी तरह यह पद्य याद किया, उल्टा ही गाने लगा। घर में कमरे में बंद करके जगन्नाथ जी को बिठाकर चित्र रख के बार बार गए, जगन्नाथ जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके। और रोवे रोमांचित गा तो बार बार कहे, जगन्नाथ जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके। जगन्नाथ जी इतने देवीभूत हुए, तुरंत प्रकट हो गए चरणों में गिरकर। भक्त ने कहा बड़ी जल्दी मिल गए। भगवान ने विनोद करते हुए कहा कि जब तुम्हारे चरण यहां तक दाखिल होने लगे तो हमने सोचा कि प्रकट होना ही चाहिए, नहीं यहां तक जाएंगे। भगवान कहते मुझसे अधिक संत को समझो। एक गांव के बाहर मंदिर था भगवान का, इसलिए वहां के ठाकुर जी का नाम था विपिन बिहारी। और मंदिर से और दूर आगे एक नदी, नदी के उस पार एकांत जंगल में कुटिया बनाकर एक संत रहा करते थे, कभी कभी मंदिर में आ जाते। एक दिन शाम को पुजारी जी बस आरती सजाकर करने ही वाले थे, तब तक किसी ने आकर खबर दी, अरे अरे वो बरसात में नदी का पुल टूट गया, वो गड्ढा हो गया, वो महात्मा आ रहे थे गड्ढे में गिर गए, निकल नहीं पा रहे हैं। पुजारी ने जो सुना आरती ऐसे ही छोड़ दी, दौड़ कर गए, लोगों को लेकर निकाला महात्मा को। कई लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, संत को व्यवस्थित किया। उसके बाद फिर पूजा आरती की। सवेरे संत विदा होने लगे तो कहा मैं शरद पूर्णिमा को फिर आऊंगा। ठीक है महाराज। अब शरद पूर्णिमा के एक दिन पहले पुजारी जी ने कहा, सुमति कुमारी उनकी पत्नी थी, कि तुम मिट्टी की टोकनी डालना गड्ढे में और मैं मिट्टी खोद खोद कर टोकनी में डालूंगा और भगवान का नाम लेना। ठीक है, मनसो करत काम तनसो सहत दुख मुख सो जपत नाम श्याम यदुवीर को। टोकनी सिर पर रखे गड्ढे में डाल दे, जाए तब तक दूसरी टोकनी भरी हुई, फिर सिर पर रखे गड्ढे में, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण यही नाम। तब तक देखा कि दूर गायें चल रही थी, उन गायों को चराने वाला एक ग्वाला दौड़कर आया। देखो विनीत शीघ्र सती को सहायक बन बन से सिधायो एक बालक अहीर को। ग्वाला आया और मुस्कुरा कर देखा, टोकनी अपने सिर पर रख ली, टोकनी उठाई ठानी काम की न डोल्यो कहूं बानी मधुर बोल्यो हरैया पर पीर को। और यही कहा मैया घर जाओ पे समैया पे रखियो ध्यान दिवैयो प्रसाद मोह पूरी और खीर को। कल खीर पूरी का प्रसाद दिलाना। सुमति कुमारी चली गई मुस्कुराते हुए और बालक टोकनी भर के गड्ढे में डालने लगा। पुजारी जी ने सोचा कि जरा देखें क्या हाल है, तो दृष्टि पिछारी परत ही, पलट कर देखा तो दृष्टि पिछारी परत ही भये दो उद्रग लाल, पत्नी के शुभ काम को करत बिलो क्यों ग्वाल। ये ग्वाल कर रहा है, ग्वाला नाराज होकर बोले तू कहां से आया, आयो कहां ते मूढ़ मार्ग बनावन हे तो सुकृत बटाएं ले तो सुमति कुमारी के। सुमति कुमारी के पुण्य नष्ट कर रहा है। दांत कटकटात गारी देत पिछारी परे तजके कुदारी कहें जात कहां दारी के। अब तो पकड़ कर ही मानो। और बालक इतना भयभीत हुआ, टोकनी सिर पर थी तो टोकनी को सिर पर रखे ही भागा और गांव की तरफ भागा। पुजारी जी ने कहा अब तो पकड़ ही लूंगा, पर वो बालक गांव दूर था, इधर उधर कहीं तो मंदिर में ही घुस गया। मंदिर में प्रविशो विनीत जू विचित्र बाल
और देख के चरित्र चक्षु चकित पुजारी के आसन पे टोकनी सिंहासन पे माटी पड़ी अंगन पे धूर चढ़ी विपिन बिहारी के। पुजारी जी रोने लगे, ऐसा चरित्र सुना नहीं देखा। उदय हो गई आज पतित की कौन पाप की रेखा। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं दुखी मत हो। भगवान की वाणी गूंज उठी, पूर्व पुण्य जागा तुम दो ही थे, तुम दोनों से पुराने पुण्य जागे। भक्ति सफल सातवीं तो हिते, बन विनीत सेवा में मोहिते, अधिक संत कर लेखा।